तीन चार महीने के अरसे में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कहीं कहीं कुरानों के जुड़ हो गए, कहीं इज्तिमा हो गए, और उसमें हमारे हजरात की जमातें तकरीबन 10 इलाकों में थी, 10 ममालिक में। तो उनकी मुख्तसर से कारगुजारी मुझे सुनाने के लिए फरमाया गया है। वो मैं इब्तिदा अमेरिका कनाडा की जमात से करता हूँ, जिसमें मौलाना भी तशरीफ लाए और मौलाना अहमद राज साहब के साथ पहले जमात रवाना हुई, फिर मौलाना भी आप इसमें शामिल हो गए, और अभी एक हफ्ता हुआ, सबकी वापसी हुई है, एक हफ्ता हुआ। थोड़ा सा पिछला हाल भी सामने आ जाए तो मौजूदा कारगुजारी का इंशाल्लाह अंदाजा ज्यादा होगा। अमेरिका और कनाडा की नौबत यह है कि सन 78 में इंग्लैंड में इज्तिमा था, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए। कर्नल साहब अमेरिका से जमात तश्कील करके लाए अमेरिकनों की, उस 78 के इंग्लैंड के इज्तिमा में। उस जमाने में अमेरिका में हमारा कोई आदमी लगा हुआ नहीं था, सारे लोग बेचारे वो आपको अमेरिकन कर्नल साहब की मेहनत से ये उनकी कमाई थी वो लगे हुए। कर्नल साहब अजीब गरीब आदमी थे, उन्होंने वहां बुनियाद डाली और उनकी मेहनत सबसे पहले अफ्रो अमेरिकन यानी जो अफ्रीका के लोग अमेरिका में आके बस गए। जाहिर है कि उनको ओलाम बनाकर लाके यहाँ बसाया गया था, बाद में उनको आजादी भी मिल गई। तो उनमें कर्नल साहब ने मेहनत की और उनकी एक जमात लेकर इंग्लैंड आए। कर्नल साहब बड़े मजे के आदमी थे, तो वो बोलते थे ये मेरे शेरों, और अफ्रो अमेरिकनों को अफ्रीका के लोग तो कर्नल साहब को उनसे मोहब्बत, उनको कर्नल साहब से मोहब्बत, वो कर्नल साहब को अपना बाप समझते थे, वो आनी बाप। और कर्नल साहब कहते थे ये मेरे शेरा नहीं, हैदराबादी ले जाए ये मेरे शेरा। तो मैंने एक दिन मजाक में कर्नल साहब से कहा कि आप एक किताब लिखिए कर्नल साहब उनके शेरा। तो वो अपने कोई 18 या 20 शेरा को लेकर इंग्लैंड आए और हजरत जी से मुतालबा किया कि हजरत आपके कदम पड़ने चाहिए अफ्रीका में। ऐसा बिल्कुल वो हजरत के सामने बच्चे की तरह हो जाते थे, बिल्कुल बच्चे की तरह। हजरत आपके कदम अमेरिका में पड़ने चाहिए, ये अमेरिका के साथी हैं, ये इस मुतालबे को लेकर आपके पास आए हैं। अब जब मशवरा हुआ तो शूरा सारी दुनिया के जिम्मेदार लोग थे, ये सब हजरत अब्दुल मुकीस साहब बांग्लादेश के, किसी की राय नहीं थी हजरत के जाने की। सारी शूरा ये कह रही थी कि अभी वहां जाना कबल वक्त है, वहां ना कोई काम है, ना कोई काम करने वाले हैं, ना कोई वहां वीजा है, तो इस वक्त ये वक्त अभी कबल वक्त है, अब जाना मुनासिब। तकरीबन सारी शूरा की यही राय थी। तो हजरत ने फिर कर्नल साहब से माजरत की कि देखो भाई तुम्हारी शूरा की राय नहीं। तो कर्नल साहब पर बड़ा सख्त गुजरा हुआ, तो लाई ही ना खड़ा को तशरीफ करके हजरत को दावत दे रही। और ये अफ्रो अमेरिकन जो आए थे वो भी एक तरह से मायूस। तो कर्नल साहब ने उनसे कहा, मशवरे से उठने के बाद कर्नल साहब ने उनसे यह कहा कि देखो दिल अल्लाह के हाथ में, हजरत जी का दिल भी अल्लाह के हाथ में, तुम रोता रखो, रात भर आज सोना नहीं, नमाज़ पढ़ो और कल रोता रखो, फिर कल मशवरे में जाएंगे।
अपनी हजरत को हम दावत देंगे, तो दिल तो अल्लाह के हाथ में। तो वो तो कर्नल साहब की हर बात को वो निर्णायक मानते थे, चुनाचे वो सब रात को ही सोया है। फिर उन्होंने पता नहीं सही भी की कि नहीं की, अगले दिन सबने रोजा रखा। उसके बाद फिर शाम को फिर मशवरा हुआ, तो मशवरे में फिर वो आए, तो सबने पूछा मशवरे वाले ने, अरे भाई क्या बात है भाई, तुम्हारा तो हो गया कल मशवरा। तो कर्नल साहब बोले कि हजरत हम तो गुजारिश लाए हैं, वो मारूदा कहते थे, हम तो मारूदा लाए। तो जब उनका हाल देखा वो सारे अमेरिकन वो रोने लग गए, सब रोने लग गए आंखों में आंसू उठ के। तो हजरत ने इनका हाल देखकर मशवरे वाले से फरमाया कि भाई इनका तो मुतालबा कबूल, कोई बात नहीं, कोई उनका हाल देखकर हजरत ने फरमाया इनका मुकाबला। जब हजरत ने खुद ही फरमा दिया तो फिर उसके बाद मशवरे की क्या गुंजाइश हुई, तय हो गया। लेकिन सबको फिक्र यह कि वहां कौन बुनियाद करेगा, कौन वहां मेहनत करेगा, क्या होगा। और सिवाय कर्नल साहब के हम किसी दूसरे आदमी को जानते नहीं है, अकेले कर्नल साहब ने ले लेकर। तो अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे। खासी अब्दुल वहाब साहब अहमदाबाद के गुजरात के, खासी अब्दुल वहाब साहब वो भी एक अल्लाह वाले आदमी थे, उनकी एक अजीब कैफियत थी। तो वो हजरत के पास गए कि हजरत आपने अमरीका जाना तय करवाया है, लेकिन एक मजबूत जमात अमरीका भेजना चाहिए जो वहां काम करे, मेहनत करे, और साल की जमात जाना चाहिए, एक साल की, अब से लेकर इज्तिमा तक काम करे वो। अब जाए और इज्तिमा तक काम करे, इज्तिमा पूरा करके वापस आए। उसके लिए उन्होंने पहले से कुछ साथियों को तैयार कर लिया था आधे साल में, वो उनको पूरे आलम का फिक्र रहता था। तो उन्होंने कुछ साथियों को तैयार कर लिया था, तो उसमें डॉक्टर हालिद सिद्दीकी साहब हमारे अलीगढ़ के, और एक डॉक्टर शर्की साहब थे इलाहाबाद में, और एक हाजी जकरिया साहब थे इलाहाबाद में, और भी कुछ हजार थे मेरे याद नहीं है। तो एक इस तरह से सात आठ को उन्होंने तैयार कर लिया एक साल के। फिर उन्होंने हजरत से अर्ज किया कि हजरत इस वक्त वहाँ मेहनत की जरूरत है, और ये जमात एक साल के लिए तैयार हो गई है, आप एक आदमी दीजिए। हजरत ने फरमाया कि भाई हमारे पास आदमी हैं तो जो हैं वो यहाँ के ही तकाजों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तुम एक साल के लिए उठा कर उनको अमरीका भेज दोगे तो यहाँ के यहाँ क्या होगा, यहाँ तो थोड़े से आदमी हैं, रोजाना काम का तकाजा है, वही पूरे नहीं हो रहे हैं हमसे, तो तुम एक आदमी को हमारे एक साल उठा के भेज दोगे तो यहाँ क्या 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 होगा। तो काजी साहब एक अल्लाह वाले आदमी थे, वाकई अल्लाह वाले थे। आज सब कहने लगे कि हजरत आप सबसे कुर्बानियां दिलवाते हैं, आप भी कुर्बानी दीजिए। हजरत आप सबसे कुर्बानी दिलवाते हैं, आप भी कुर्बानी दीजिए। तो हजरत मुस्कुराए, अच्छा भाई साहब किसको चाहते हो। तो खाली साहब ने कहा मौलाना इब्राहिम साहब को दे दीजिए। तो हजरत राजी हो गए, और एक साल मौलाना की जमात ने वहां अमरीका में लगाया, और किन हालात में लगाया, कैसे लगाया, उसकी तफसील का होता है। अभी मैं मौलाना का बयान सुन रहा था न्यूयॉर्क के उलमा में, तो मौलाना कह रहे थे कि जब हम आए यहां साल के लिए तो ठहरने की जगह नहीं थी, यहां ठहरने की जगह नहीं होती थी, मस्जिदें नहीं थी, ठहरने की जगह नहीं थी, इस्लामिक सेंटरों में ठहरते थे, और वहाँ हफ्ता इतवार को दुनिया भर की तकरीबात होती थी, और कोई हफ्ते भर में कोई नहीं आता था,
सिर्फ हफ्ता एक बार या दो दिन कुछ लोग मिलते थे, बाकी 5 दिन कोई मिलता नहीं था। तो सर एक यहाँ बनाना करवाया तो यहाँ एक हुक का आलम हुआ, हुक का आलम। तो किसी ने मुझसे पूछा ये हुक का आलम क्या होता है, तो मैंने कहा कि ऐसा सन्नाटा जिसमें घबराहट हो, घबराहट वाला एक हुक का आलम था। और इस्लामिक सेंटर वाले कहते थे कि भाई तुम तो इतने दिन से कह रहे हो, अब छोड़ो निकलो यहाँ से, हजर करते। और इस बार के दिन वो तकलीफत होती है, अब वो औरतें मर्द सब बंद सुधर कर तकलीफ में आते हैं। ये इब्तिदा है अपनी पहले काम। सन 80 में मौलाना की जमात में थी, हम भी चार, मेरा भी 4 महीने वाला था, तो हमारी जमात दिव्यांग में रही, फिर उनके जगहों पर गई। तो 5 दिन कोई आदम ना आदम साहब कोई नहीं, खुद अपना करो तालीम करो और सब करो, मुलाकातें कराने के लिए भी कोई नहीं आता, पैदल भी नहीं जा सकते, हाँ दूर दूर कोई एक एक आदमी रहता है। तो एक दिन एक साहब आए साहब को, क्या मैं तुम्हारी मेरे दोस्त से मुलाकात कर रहा हूँ मेरे बच्चों। तो हम गए, 1.5 घंटा उनके घर पहुंचे, वहां जाके पता चला कि वो नहीं। तो 3 घंटे एक आदमी से मिले, तो ये आलम था। फिर अल्लाह का करम हुआ कि हजरत जा रहे हैं अमरीका, और मौलाना की बात वहां पड़ी है 1 साल की, तो मुख्तलिफ मुल्कों से जमाते आए, साउथ अफ्रीका की जमाते आई, इंग्लैंड वालों ने बहुत अलहमदिल्ला जमाते डाली। तो मुझे याद है कि आखिर में इम्तिहान के करीब करीब 100 जमाते आते, और 100 ही ठिकाने थे जमात के ठहरने, 100 ठिकाने जहाँ जमात बना ले, और 100 जमाते आते। अब हर जमात की तरफ से ये फोन आए कि हम यहाँ 15 दिन से पढ़े हैं, महीने से पढ़े हैं, या कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, कब तक हमको यहाँ रहना है। जमात के परेशान, 15 दिन महीना गुजर गया। तो मशवरा हुआ, मैंने राय दी कि अदल बदल करो जमातों, 101 की जगह तो है नहीं, यहाँ की वहाँ डाल दीजिए, वहाँ की यहाँ डाल दीजिए, इनके लिए जगह नहीं हो जाएगी, वहाँ के लिए जमात नहीं हो जाएगी। तो ये किया, इज्तिमा हुआ। फिर इसके बाद इज्तिमा से अल्हम्दुलिल्लाह कर्नल साहब ने एक नक्शा बनाया था कि डेट्रॉइट से सूरज शुरू हो रहा है और उसकी शुआएं पूरी दुनिया में जा रही है, वो जमातों का नक्शा बनाया था ऐसा सूरज। तो डेट्रॉइट में कुछ थोड़ी सी फिजा थी, और वो फिजा इस तरह थी कि ये डेट्रॉइट फोर्ड कंपनी का शहर है, दुनिया में सबसे पहली कार फोर्ड कार है, सबसे पहली कार दुनिया की फोर्ड कार, और वो फोर्ड कार की कंपनियां अब तो सारी दुनिया में है, उस जमाने में फोर्ड कार की कंपनियां डेट्रॉइट में थी, वही वो फोर्ड पैदा हुआ। तो उसी का नाम उसके बाप ने रखा डियर बार्न, यानी मेरा महबूब पैदा हुआ, मेरा महबूब लड़का पैदा हुआ, उसका उनका नाम उसने रखा, वही उसकी फैक्ट्री है। तो ये अमेरिका यूरोप वाले तो बड़े शातिर लोग हैं, तो वो यमन से लोगों को लाया था अपनी फैक्ट्री में काम करने, क्योंकि यमन वाले एक तो बड़े जफाकश होते हैं, मेहनती होते हैं, और दूसरे तनख्वाह बहुत मुख्तसर थी, यानी अमरीका वालों की तनख्वाह के मुकाबले में इनकी तनख्वाह 50 रुपये का ये, वो 50 लेते हैं तो ये 1 रुपया। तो ये शादी लोग ने वहाँ से ये यमन से उठा के लोगों को लाया, और वो बस्ती बसाई, और वो सारे यमनी फैक्ट्री में काम करते थे, जफाकश होते थे बहुत। आप बहुत सौ को याद होगा कि
फिर शुरू में सऊदिया में पुलिस वाले यही थे, बारबोल उठाने वाले, और बड़ी बड़ा वजन लेके वो बस पे ऐसे चढ़ जाते थे जैसे आदमी कुछ भी नहीं हो उसके पास। उसको बसाया वहाँ, एक मस्जिद भी थी और माशाल्लाह एक इमाम साहब वहाँ के वो बड़े जमातों को कुछ साथ लेकर गश्त कराते मोहल्ले में। तो वही हमारे लिए ठिकाना बना था वो एक मस्जिद जो ये यमनियों की मस्जिद, और उसी के बाहर मैदान था बहुत बड़ा। पहला इज्तिमा था टेंटों में, अमेरिका में पहली बार टेंटों में इज्तिमा हुआ। बड़े मैदानों से गुजरना पड़ा उसमें, क्योंकि सब डरते थे इतने मुसलमान जमा होंगे क्या होगा यहाँ। लेकिन वो अलहमदिल्ला हमारे यहाँ क्या होता है तो सारा सुकून से हुआ। ये इब्तिदा है अमेरिका के। हाँ, उसके बाद अलहमदिल्ला जमा ले जाती रही, काम बड़ा काम उठा। दरमियान में ये जो कोविड कोविड आया, क्या बोलते हैं, तो कोविड का अमेरिका पर भी बहुत असर पड़ा, बहुत अपवाद थी। और लॉकडाउन तो हमारे यहाँ हुआ, वहां तो लोगों ने खुद ही लॉकडाउन कर लिया, अपने आप लॉकडाउन कर लिया, कोई घर से निकलता ही नहीं था इस डर से कि कहीं मेरे ऊपर ये कोरोना का हमला लग जाए। वो ये छोड़ा था, ये जो अरसा गुजरा तकरीबन 4 महीने का अरसा, उसमें काम बिल्कुल जीरो हो गया। आदमी घर से निकलते हुए डरता था कि मैं बताता था मेरे ऊपर कोरोना हो गया तो भरना ही है। वो 4 माह में जो गुजरे हैं उसमें काम बिल्कुल जीरो पर आ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अलहमदुल्ला काम उठना शुरू हुआ, और अब की मरतबा उन्होंने तकाजा रखा प्राइवेट कि हम इज्तिमा करना चाहते हैं अपने यहाँ। तो मशवरे से मुल्क के 4 हिस्से बनाए गए, हर हिस्सा एक मुल्क की तरह काम करे, क्योंकि बहुत फैला हुआ मुल्क, लंबा थोड़ा मुल्क, तो उसके 4 हिस्से मुल्क के बनाए गए और 4 इज्तिमा करे हुए न्यूयॉर्क मशरिक में और लॉस एंजलिस मगरिब में। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के दरमियान का फासला इतना है जितना न्यूयॉर्क और इंग्लैंड का फासला है। न्यूयॉर्क से जितना इंग्लैंड दूर है उतना ही लॉस एंजलिस दूर है। तो एक इज्तिमा यहाँ एक इज्तिमा वहाँ हुआ, और दोनों इज्तिमा में जो हमारी जमात थी वो तकसीम हो गई। डॉक्टर सनाउल्लाह साहब और मौलवी उस्मान साहब ये लॉस एंजलिस गए, और मौलाना अहमद दार साहब के साथ हमारी जमात हम 5 साथी थे वो हम न्यूयॉर्क। ये पहले दो इज्तिमा न्यूयॉर्क का इज्तिमा सबसे बड़ा इज्तिमा था। उस इज्तिमा की शिरकत की तादाद 7,000 है। न्यूयॉर्क के इज्तिमा में 7,000 है, जबकि मैंने आपको सुनाया कि पूरे हफ्ते में कोई मिलता नहीं था, और शनिचर इतवार को अगर 10-12 आदमी आ गए तो हम समझते थे कि आज बहुत अच्छी तकलीफ होगी। ये वहाँ का आनंद था। और अब की मरतबा जो इज्तिमा हुआ तो 7,000 की तादाद, 7,000 की तादाद मेरे ख्याल में वहाँ के लोगों ने देखी ही नहीं होगी। शुरू शुरू में तो अच्छा वो हाल थे, एक्सपो हाल, ऐसे हाल जिसमें फैक्ट्रियां अपने नमूने रखती हैं, सैंपल जो उनके यहाँ बनते हैं, और दुनिया भर से लोग आते हैं और वो नमूने देखकर उनकी ज़रूरत का सामान वहाँ खरीदते हैं। ये एग्जीबिशन हॉल होते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े 3 हाल थे, एक हाल इज्तिमा, दूसरा हाल खाना खिलाने का, तीसरा हाल ठहरने का। जहाँ बयान नमाज है वहाँ सो नहीं सकते, इन उनके कवानीन बड़े सख्त कवानीन है उनके। जहाँ बयान है नमाज
वहाँ सो नहीं सकते, वहाँ खा नहीं सकते, खाने की जगह अलग होनी चाहिए, सोने की जगह अलग होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो एक चादर में कई फकीर हो जाते हैं, तो वहाँ तो खाना भी अलग, सोना भी अलग, बयान भी अलग, नमाज भी अलग। और ये तीन हाल अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बड़े अच्छे मिल गए, जिसमें एक हाल में बयान नमाज उस पर तकरीबन 7-8 हज़ार बल्कि 10 हज़ार तक की गुंजाइश थी, और एक हाल खाने का उस मजमे के, और एक हाल उस मजमे के क़ियाम। अगर कुछ लोग यहाँ सो जाते रात को तो वो ऊपर से दूरबीनों में देखते रहते थे ऊपर से बैठे थे अपने ऑफिस, और आगे कहते थे देखो तुम्हारे लोग यहाँ सो गए, उठाओ इनको, सोने की जगह जाके सोए। अरे भाई सोने की जगह भर गई है, तो भर गई है तो हम क्या करें, यहाँ तो एकदम आप खाना सोना नहीं कर सकते। खैर अल्लाह अल्लाह करके गुजरा, और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग भी बड़े खुश हुए कि ऐसा जलसा हमने नहीं देखा कि जिसमें एक लड़ाई भी, दो आदमियों ने जोर से आपस बात तक नहीं की, तो बड़ा हैरान थे वो लोग। अच्छा तो बड़ी अजीब बात है कि सारा निजाम संभालने वाले हमारे नौजवान, हमारे नौजवान, ये जो कारगुजर यहाँ सुना रहे थे प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स इंजीनियर्स, ये सब यहाँ के पढ़ के गए हुए जो अब वहाँ मुलाजमतें कर रहे हैं, और बड़े जहीन नौजवान, ये जो कंपनियाँ हैं मुल्कों की यहाँ हिंदुस्तान में जिनको मल्टीनेशनल कंपनियाँ कहते हैं, वो पढ़ाई के जमाने में इन लड़कों पर निगाह रखते हैं, और जैसे ही ये इनकी तालीम पूरी होती है वहीं से उचक के ले जाते हैं, ये हमारे काम के लड़के वहीं से उचक लेते हैं, कैंपस सिलेक्शन कहते हैं उसको। तो जैसे पढ़ते हैं पढ़ के फारिग हो गए वहीं से उचक के ले, फिर यहाँ आपके चलते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, और फिर वहां बेच के उनको उनके आगे क्या कराना है कोर्स वो कराते हैं, और करा के अपने यहाँ रखते हैं, और तनख्वाह लाखों के हिसाब से देते हैं, लेकिन वो कोई ज्यादा नहीं है उनके लिए, क्योंकि अमेरिका में उनको 10 रुपए देते हैं तो इनको 1 रुपया देते हैं, वो 1 रुपया हमारे लिए 80 रुपए का बराबर है, $1 के कितने होते हैं 80। तो ऐसे नौजवानों को वो कैंपस सिलेक्शन के नाम पर वहां से उचक के ले जाते हैं, जैसे ही इम्तिहान हुआ और नतीजा सामने आया तो वहाँ वहीं उनके आदमी मौजूद होते हैं जो उनका अपॉइंटमेंट कर देते हैं, चलो हमारी कंपनी में अपॉइंटमेंट। ये नौजवान क्या बताऊं आपको कि उनको देखकर आंखें ठंडी होती हैं, इंजीनियरिंग के मास्टर्स किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, ऐसी सलाहियतों के मालिक, और यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले, उनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, सारा इज्तिमा का निजाम उन्होंने संभाला, खाना खिलाने की खिदमत में वो नौजवान, पार्किंग में वो नौजवान, सिक्योरिटी वहाँ एक बड़ा मसला है उसमें वो नौजवान, और फायर सर्विस उसमें वो नौजवान, सफाई उसमें वो नौजवान, सिक्योरिटी का फायर का ड्रेस पहने हुए लाजिम है, इसके पता चले कौन सिक्योरिटी में है, कौन ड्रेस, कौन पार्किंग में है, कौन फायर में है, तो उनका अपना अपना लिबास वो इनको पहनाते हैं। सारे नौजवान माशाल्लाह पूरी सुन्नत शरीयत के लिबास में, शरीयत के सुन्नत शरीयत, चेहरे पे दाढ़ियाँ, जुब्बे, कुर्ते, वो तो ऊपर से उन्होंने डाल लिया वो सिक्योरिटी का, लेकिन उसका पेट पैजामा और दाढ़ियाँ, और बड़े ऐसे बहुत से नौजवान अमामे बांधे हुए, इंजीनियर देखे तो ऐसा लगता है किसी मस्जिद के मौजूद साहब होंगे, और नहीं वो बड़े इंजीनियर और बड़ी सलाहियतों के नौजवान, हमारी खिदमत में वो नौजवान, हम लोगों की खिदमत में,
ऐसे बिछ जाते थे कि हमारी औलादें हमारी वो खिदमत नहीं कर सकती जो उन्होंने की। तो सारा ट्रैफिक का, पार्किंग का और फायर का, खाना खिलाने की खिदमत, और सारे हमारे अकाबिर हज़रात वो जितने आए थे उनकी खिदमत, इसमें सब वही नौजवान थे हमारे आगे हमारे लोगों को देख कर आंखें ठंडी होती थी कि या अल्लाह ये फिरौन के महल में मूसा पढ़ रहे हैं, फिरौन के महल में मूसा पढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क में दुनिया आई हुई है अपनी दुनिया के आगराज से, तो उनके जो हल्के होते थे तालीम में उसमें खर्चा पता नहीं कहीं चला गया। मुख्तलिफ ममालिक के लोग वहां इज्तिमा में, अरब ये तर्जुमे के हल्के बयान उर्दू में होता था तो इंग्लिश में तर्जुमा होता है, और बाकी तर्जुमे अरब, पुश्तो, ईरान, बर्मा, सोमालिया, मोरिटानिया और किर्गिस्तान, और एक बड़ा अलोखा बांग्लादेश वालों का, बहुत सबसे बड़ी तादाद बांग्लादेश वालों, ये सब तर्जुमे के हक है ये न्यूयॉर्क के इज्तिमा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खैर आफियत के साथ पूरा हुआ, और अभी दो तीन दिन से वहाँ से पैगाम आ रहा है हमारे हजरात के सामने मशरे में रखने के लिए कि वो जिस जगह पर इज्तिमा हुआ वहाँ का मैनेजर बार बार फोन कर रहा है कि तुम्हारा अब अगला होगा तुम्हारे लिए मैं तारीख रिजर्व करता हूँ, अगला तुम्हारा कब होगा मुझे तारीख बताओ तो मैं ये हाल तुम्हारे लिए रिजर्व करता हूँ। वहाँ का मैनेजर का फोन आ रहा है, उन्होंने कहा है कि मशरे में रखो तो अगर अपराध फरमाएंगे तो हम उससे कुछ एडवांस देकर रिजर्व करते हैं, और वो कह रहे हैं कि दूसरे अगर बुक कर लेंगे तो हमारी मुनासिब तारीख तो नहीं मिलेगी इसलिए अभी से तुम बुक कर दो। पहले तो देने में हजार नखरे करते थे नखरे, और अब वो कह रहे हैं कि भाई तुम तारीख बताओ तुम्हारे लिए रिजर्व करें। दूसरा इज्तिमा ये उन्हीं तारीखों में, ये तो मशरक में है इंडिया, और मगरिब में कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में वहाँ एक इज्तिमा, वहाँ भी माशाल्लाह ये तो न्यूयॉर्क में 7,000 का मजमा, 21 मुल्कों के लोग उस इज्तिमा में, 21 ममालिक के लोग, और ऐसे आएंगे जैसे कोई ईद के लिए तैयार हो जाता है, नमाज ईद की नमाज पढ़ने, नए नए कपड़े, जुब्बे, अरबों का वो जो होता है ना क्या उसे बोलते हैं तोक, कौन से नौजवान तोक पहने हुए पैसे जैसे ईद के लिए आती है। दूसरा इज्तिमा जो है वो मगरिब का, ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ, वहाँ भी इसी तरह किर्गिस्तान और मुकामी अमरीकन, और इंदोपाक अगला वहाँ चाइनीज भी थे, और बर्मीज, अफगान, सोमाली, ये इन दबा मनवा था। तीसरा इज्तिमा जुनूब का, इसमें भी होते हैं मुल्कों के लोग, सीरिया, शाम का एक बड़ा मजमा अरबों का आबाद है, तो ये यमन, यमन के हालात के बाद वहाँ यमनी भी बना देती है, मिस्र, किर्गिस्तान, तुर्की, सोमालिया, बोस्निया, फलस्तीन और लोकल अमेरिका, ये वहाँ के इज्तिमा थे। और जुनूब की तरफ जो हुआ उसमें भी इसी तरह
अरब कुछ तो नाइजीरिया के लोग, सोमालिया और लोकल अमेरिकन्स, और दरमियान में जो इज्तम हुआ ये वही डेट्रॉइट में था, तो उसमें किर्गिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बंगला, चाइनीज, बर्मी, सलमान, सोमाली, एक दुनिया वहाँ के नसीब की है। इराक के हालात हुए तो इराक के लोग वहाँ पना लेती हैं, शाम के हालात हुए शाम के लोग वहाँ पना लेती हैं, और अफगान जो अफगान पर हालात आए तो अफगानिस्तान के लोग बसे हुए हैं, और ये सब इज्तम में यानी हमारी मेहनत कुछ भी नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से इनका कुछ फेरा गया, और ये ऐसे आ रहे थे कि जैसे कोई इनको ढकेल के ला रहा है, मैं फरिश्ते ढकेल के ला रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चार जगह के इश्तिमा हो गए, और एक जोड़ इनके पुराणों का पूरे मुल्क के, तो पूरे मुल्क के पुराणों का एक जोड़ डिट्राइट में ही रखा गया, क्योंकि अगर दरमियान की जगह है, पुरानी जगह है। मौलाना भी अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा इज्तिमा था, पुर्तगाल, तो पुर्तगाल में यूरोप का जोड़ था, मौलाना का वहाँ जाना तय हुआ था कि वो मौलाना पुर्तगाल जाएंगे और मौलाना हजरत आठ साहब और हम लोग अमरीका जाएंगे, तो मौलाना वहाँ गए पुर्तगाल। पुर्तगाल में 30 मुल्कों का जोड़, यानी अरब यूरोप के 30 मुल्क, यूरोप के 30 मुल्क कोई मामूली चीज है, वो वहाँ पुर्तगाल में जमा हुए 3 दिन का, वो वहाँ के यूरोप के ब्राह्मण का जोड़ था जिसमें मौलाना तशरीफ ले गए थे। लेकिन अमरीकनों का तकाजा हुआ, वो एक शरीफ अब्दुल अजीज हैं वहाँ के बहुत पुराने लोगों में, उस जमाने के लोगों में सबका इंतकाल हो गया, भाई अब्दुलरक्की, लुकमान, सब सब इंतकाल कर गए। एक वो शरीफ अब्दुल अजीज उस जमाने के लोगों में से, उन्होंने पैगाम भेजा मौलाना को कि आपका लगाया हुआ बाव है, आप कैसे नहीं आ रहे हैं, हमारे सब साथियों की तमन्ना है आप आइए, ये तो आपने बाग लगाया है। उस पैगाम में उन्होंने एक बात ये कही कि काश मैं उर्दू सीखा होता तो मैं अपने दिल की बात आपसे करता, लेकिन मैंने उर्दू सीखी नहीं और मेरे सीखने का मौका नहीं, काश कोई मेरी सिर्फ बात को नहीं, मेरे जज्बात को भी तर्जमा करके मौलाना तक पहुंचा दे। तो मैंने कोशिश करके उसका तर्जुमा किया और मौलाना को वॉइस मेल भेजा, ये उनका पैगाम आया है, तो मौलाना का दिल भी पसेज गया उनके उस पैगाम को देखकर। तो मौलाना ने कहा कि भाई मेरा तो पुर्तगाल जाना तय हुआ है, तो हमने अर्ज किया कि आप उसको करके आ जाइए। अरे करके आ जाइए कोई आसान काम है, दिल्ली से जो जहाज चलता है वो न्यूयॉर्क 15.5 घंटे में पहुंचता है, दिल्ली से चला तो 15.5 घंटे के बाद वो न्यूयॉर्क उतरता है, और 15.5 घंटे में कहीं सांस भी नहीं लेता, कहीं सांस लेने के लिए रुक जाए तो वो सांस लेने के लिए भी नहीं रुकता, 15.5 घंटे के बाद जाके न्यूयॉर्क उतरता। तो खैर मौलाना ने हिम्मत की और पुर्तगाल का जो 30 मुल्कों का जोड़ था वो पूरा करके फिर मौलाना को इंग्लैंड जाना था, इंग्लैंड के 6 हलकों में जोड़ थे, तो माशाल्लाह उसको भी मौलाना ने पूरा किया, पुर्तगाल और इंग्लैंड के 6 हलकों के जोड़, ये सब करके मौलाना आकर हमको डेट्रॉइट में मिल गए। उनको तफसील दी है कि इंग्लैंड के 6 जोड़ों से 170 जमातें निकली दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की, फिर मौलाना वहाँ आकर मिल गए हमें, तो वहाँ पुरानों का जोड़ था, और दूर दूर से वहाँ पुराने आए हुए थे, अमरीका से पुराने,
तीस इलाकों से आए थे, कोई 350 का मजमा था, लेकिन वो 30 इलाकों से दूर दूर 5-5 घंटे 4-4 घंटे की फ्लाइटें कारों से 100-200 10-10 घंटे कारें चला, इस तरह आकर तो वहाँ जुड़े पुराने और बड़े शौक से आए, बड़ी अलहमदिल्ला उनसे अच्छे मुजाकरे हुए और वहाँ के पूरे काम किया, अलहमदिल्ला तरतीब बनी। ये जो हम आज अर्ज कर रहे थे कि हर हफ्ते में वहाँ हफ्तावार मशवरा हो और एक लंबा मशवरा हो जिसमें मस्जिदों का हाल लिया जाए, यही पैगाम उनको दिया गया कि भाई अब आप बैठो और बैठकर इसकी तरतीब बनाओ कि तुम्हारे जो हल्के हैं उसमें हर हफ्ते में हफ्तावारी मशवरा हो और एक माहाना मशवरा जो एक्सटेंडेड ज़रा लंबा हो उसमें मस्जिदों की कारगुजारी दी जाए। तो वो वहीं बैठ के 80 हल्के हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बार, कितने 80 हल्के हैं। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम हर हल्के में हफ्तावार मशवरा करेंगे और एक माहाना लंबा मशवरा करेंगे जिसने जिम्मेदारियाँ दे दी हैं मस्जिदों को, मजबूत मस्जिदें कमजोर मस्जिदों पर मेहनत करें। ये सारा मुज़ाकरा अल्हम्दुलिल्लाह उनसे उस पूरे दिन में कई मजलिसें हो गई, मौलाना की दो मजलिसें हो गई, मौलाना अहमद साहब की मजलिस हो गई। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे काम का उनका नक्शा बना और वो बहुत खुश हुए और एक नए अज़ाइम लेकर के गए। तो 80 हल्के हैं, उन्होंने 80 जमातें मांगी हैं हमारे हर हल्के के लिए, एक जमात दी हमारे 80 हल्के हैं हर हल्के के लिए एक जमात हमें दीजिए। अब हम क्या बताएं उनको कि हमारा क्या हाल है। तो भाई अब आप हजरात जब अजाइम के लिए बैठे तो 80 जमातें बना लें अफ्रीका रखें हर हफ्ते के लिए उनके एक जमात और जमात बनाकर वीजा न लें, उसमें जमात टूट फूट होती है, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता, परेशानी होती है, पहले आप वीजे लीजिए अपने तौर पर लीजिए, टूरिस्ट वीजा लीजिए, आपके कोई रिश्तेदार वहाँ रहते हैं उनसे दावतना नंबर हुआ पर लीजिए, अलग अलग लीजिए, हर इंफरादी वीजे लीजिए और फिर जिनके पास वीजे हैं उनकी जमात बनाइए। तो किसी को मिला किसी को नहीं मिला, जमात में टूट फूट, फिर वो जमात बदल बदल कर बनाओ, तो तैयार है सब, पहले अभी तक अप्लाई कीजिए जो भी शक्ल है उस शक्ल से और अभी अंदाजा कीजिए हर यानी एक सुबह से कितनी जमातें हो तो 80 पूरे हो जाएंगे। अगर 5 जमातें हो जाएंगे तो 80 हो जाएंगे, 5 जमातें बनाना क्या मुश्किल था, तो आप बताइए मुझे जमात होंगे इस वक्त इसमें कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्राणों का जोड़ एक उनके अंदर एक ताजगी आ गई, उनके अजाइम में एक जान पड़ गई, ताजगी आ गई और ऐसे हाल में वो घर पर रवाना हुआ। मैंने कहा कि देखो भाई मैं छोटा आदमी हूं, मैं सिंपल प्रोग्राम देता हूं, ये सब बड़े बड़े लोग सनाउल्लाह साहब की तरह के ये बड़े बड़े प्रोग्राम देंगे, मौलाना अहमद लाल साहब तो लाल साहब है, मैं सिंपल प्रोग्राम देता हूं। मेरा सिंपल प्रोग्राम ये है, मैंने कहा उर्दू में मैं बोलता हूँ आप भी उर्दू में, रोजाना माहाना साला बस इतना काम रोजाना माहाना साला मेरा सिंपल प्रोग्राम। रोजाना क्या, रोजाना 3 काम, तालीम घर की मस्जिद की, मशवरा और 2.5 घंटे लगाकर घर तक जाकर लोगों को तैयार करना, मुकाबले जुड़ने के लिए तैयार करना, बाहर निकलने के लिए तैयार करना, ये है रोजाना।
रोजाना तीन का, माहाना क्या तीन दिन, तीन दिन अलग कोशिश से और लगाओ और नए नए साथियों को तैयार करके अपने साथ लेके चलो। यही तुम्हारी मस्जिद के साथी बनेंगे और यही तुम्हारी मस्जिद की जमात बन जाएगी जो तुम्हारे साथ कीर्ति लगाएंगे और यही इंशाल्लाह साल के खत्म बच्चे से तीन चले देने वाले बनेंगे। तो ये है माहाना और सालाना। सालाना अल्लाह हिम्मत दे चार महीने लगाओ, नहीं तो कम अज कम चिल्ला लगाओ, उनका चिल्ला भी हमारे चार महीने से बढ़ाए। मैं छोटा आदमी सिंपल प्रोग्राम देता हूँ कि रोजाना रोजाना माहाना सालाना, रोजाना तीन काम, माहाना तीन दिन और सालाना चिल्ला चिल्ला। तो अलहमदिल्ला मजमा एक तहजीब के साथ गया। मैंने बताया कि चार इनके हल्के बने हैं, मशरिक मगरिब वस्त और जुनून, यही आबादी है। तो हर इसको रीजन कहते हैं, तो हर रीजन के लिए ये मुताबा किया गया कि ये देखो ये तो तरतीब है जो मैंने अभी बताई, रोजाना सालाना माहाना, जो तो मजीद करने के लिए तैयार है, हर महीना तीन दिन से आगे बढ़कर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, उन लोगों की एक जमात बनाओ जितने तैयार हैं उनकी, कि वो तीन दिन तो अपनी मस्जिद की जमात के साथ देंगे और मजीद कुर्बानी के लिए जितना उनसे मुमकिन होगा तीन दिन दस दिन वो इंशाल्लाह जमात बनाकर जहां जहां तकाजा जरूरत होगी वहां खुद जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर रीजन में कहीं 15 कहीं 20 इस तरह नाम आए कि हम तीन दिन से जाहिर, कोई मजीद तीन दिन कोई दस दिन इस तरह हम देंगे। तो बड़ी अजीब बात है, वहां इतने के लिए वो तैयार हो जाता है बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी रीजन की जमात, रीजन के फिक्र की जमात, शुरा वा नहीं बनाई होते, हमने कोई शुरा वा नहीं बनाई होती। भाई जो मजीद कुर्बानी देने के लिए साइज कुर्बानी के लिए तैयार है वो अपने आप को पेश करो। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह वो हर हर रीजन में कहीं 15 कहीं 20 साथी तैयार हो गए कि हम अपनी मस्जिद की तीन दिन की जमात के अलावा हम मजीद वक्त देंगे और हमारे पूरे रीजन का हम फिक्र करेंगे और जहां जहां तकाजा होगा और जरूरत होगी वहां जाएंगे। और 15 आदमी है तो हम तीन जमातें भी बना के तीन जगह जा सकते हैं तीन तकाजों पर, 20 आदमी है तीन तकाजों पर हम जमात बना के जा सकते हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अमरीका का सफर पूरा हुआ, हर जगह से जमातें निकली और ये पुराना पहले जोड़ हुआ जिसमें मौलाना तशरीफ गए थे, तो एक बड़ी माशाल्लाह उसमें एक उनके अंदर एक नई जान आ गई, बड़ी अजाइब के साथ गए। फिर वहां से हम कनाडा गए, तो कनाडा में भी अल्हम्दुलिल्लाह तीन इज्तिमा थे, टोरंटो में, मॉन्ट्रियल में और वैंकूवर में। तो तीन जमातें हमारी बची, एक वैंकूवर चली हुई और एक मॉन्ट्रियल और हमारी जमात हम टोरंटो गए। टोरंटो ही सबसे बड़ा शहर है वहाँ, जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क है वहाँ टोरंटो है। तो टोरंटो में एक बिल्डिंग खरीदी हुई इमारत, वो पहले वेयर हाउस था जहाँ सामान रखते थे। तो अल्लाह ने अब ऐसे मुल्कों में देखिए अल्लाह कितना आसान करता है, तो उनका जो वेयर हाउस है उस पर 10,000 आदमी आ सकते हैं, इतना बड़ा बना हुआ सारा वेयर हाउस। तो वो वेयर हाउस में इज्तिमा हुआ, वहाँ भी तकरीबन 7-8 हज़ार का मजमा था और उस वेयर हाउस की जो ऑफिस है ये सब उन्होंने खरीद लिया है हमारे साथियों ने टोरंटो। लेकिन आप खरीदने ना जाइए भाई, आप खरीदने के इरादे मत कीजिए, आप तो काम के इरादे कीजिए। कहीं मरकज बनाना हो, कहीं जगह खरीदना हो तो मशवरा कीजिए हजरत से, उसके बारे में कीजिए, वरना सारी कुवत किसी पर लग जाएगी। तो हौसले वाले लोग हैं। अभी एक जगह हम ठहरे
तीन आदमियों ने मिलकर वो जगह खरीद के दी। खैर टोरंटो में पानी तकरीबन 7-8 हजार का बंगला था, वो बड़ा हाल था, और उसकी जो ऑफिस है उस ऑफिस में हमें ठहराया गया था, और वहीं पंचवक्ता नमाज होती है, उस पर तकरीबन 300-350 आदमी उस ऑफिस में आ सकते हैं जहाँ पंचवक्ता नमाज होती है, और जब कोई जोड़ और कोई खसूसी इज्तिमा होते हैं वो हाल में करते हैं। तो हाल में इज्तिमा हुआ, उसके ऑफिस में हमारा क्या हुआ, तो अलहमदिल्ला वहाँ से भी बहुत अच्छी तरीके से जो जोड़ जुड़ा हुआ, अल्लाह पाक कबूल। इस साल अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया कि इतनी, हाँ वो मैं ये अर्ज करना चाहता कि इस वक्त अमरीका में 3,022 मस्जिदें हैं, 3,022, जबकि 100 के बाद जमात को जगह नहीं मिलती थी कि 101 की जगह दूर हो, ये जमात जाहिद आ गई है इसको कहाँ भेजेंगे, 100 की तो गुंजाइश है, अब एक जाहिद आ गई तो इनकी जगह दूर हो। बराबर अल्लाह का शुक्र है कि ये 3,022 मस्जिदें हैं, और 3 चुनने वाले 1,466 और चिल्ले वाले 2,283 और 179 उलमा अमरीका, 179 उलमा और कई मदरसे कायम हैं। मेरे ख्याल में मेरे अंदाजे में 7-8 मदरसे हैं दारुल। तो अल्लाह का काम है इस वक्त मंजिला उनका काम होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस मरतबा अल्लाह पाक के फजलो करम से हमारी जमातें, मैंने एक जमात की कर्जदारी सुनाई आपको, बल्कि दो, एक मौलाना की इंग्लैंड और पुर्तगाल की जमात, और एक हमारी अमेरिका कनाडा की जमात, ये दो जमातें। मुख्तसर मुख्तसर मैं गिना देता हूँ क्योंकि वक्त हो रहा है, क्या वक्त हो, तो मैं वक्त से वक्त सब गिना देता हूँ कि एक तो ये जमात थी हमारी और मौलाना की यूरोप, यूरोप बरतानिया और अमेरिका कनाडा। यूरोप में अल्हम्दुलिल्लाह हर 4 महीने पर पूरे यूरोप का जोड़ होता है, मछुआरा कुरान का। पिछले जोड़ में हमारे मौलाना जोहैर साहब और मौली फरीद साहब ये हजरत गए हुए थे, तो वो था उसका नाम मखदूनी, मैक्सीडोनिया में वो जो वहाँ भी इसी तरह 30-32 कुलों के लोग रहना हुए थे। मैक्सीडोनिया सिकंदर का शहर है, मैक्सीडोनिया सिकंदर का शहर है, मखदूनिया का सिकंदर। अरे भाई हमारी गली का सिकंदर नहीं, कोई गली में एक लड़का रहता है उसकी अम्मा कहती रहती है मेरा सिकंदर मेरा सिकंदर, तो ये गली का सिकंदर नहीं, ये दुनिया फतह करने के इरादे से चला हुआ सिकंदर मखदूनिया था, अल्लाह ने उसके गांव में तकलीफ पहुंचाई थी। पुर्तगाल से पहले वहां जोड़ हुआ था, जहर साहब मेरी खरीदता ही हजरा थे। कांगो, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, मोजम्बिक, ये 5 मुल्क, पहले 4 थे उनको जमजम कहते थे, जमजम के माने जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, मोजम्बिक। यहाँ हमारे मौलाना उस्माइल साहब और मौली फरीद साहब ये जमात इन 5 मुल्कों में काम करके हर जगह जोड़ थे। उससे पहले फिलिपाइन के बाद के इसमें डॉक्टर अब्दुल मदान साहब हमारे अलीगढ़ के हमारे भाई सनोबर, तो ये फिलिपाइन होते थे, और एक के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, माशाल्लाह, हत्ता इज़ा जा मग़रिब अश-शम्स व हत्ता इज़ा जा मतलअ अश-शम्स, हत्ता इज़ा जा मग़रिब अश-शम्स,
भरता इला जा मतलब तो मरवी मजलिस रहे इससे महरूम आदमी नफा की भई हो गई सारी खेती हो जाती। तो ये जमात गई थी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फीजी, इसमें हमारे माना नाम पर शरीफ साहब और हमारे आप कैलीगढ़ के क्या नाम भाई इब्राहिम साहब, डॉक्टर इब्राहिम साहब और भाई सरोवर भी उसमें ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। तो ये जमात है मशरिक की तरफ होकर आते हैं, मगरिब की तरफ हमारी जमात क्या मैंने कारगुजारी सुनाई मगरिब और अमरीका और मशरिक में ये ऑस्ट्रेलिया फीजी न्यूजीलैंड ये तीनों जगह पर इज्तिमा थे। और मौलाना अकबर शरीफ साहब, डॉक्टर फराहीम साहब, भाई अब्दुल मनान साहब, भाई सनोवर साहब, ये जमात ये तीन मुल्क करके फीजी दुनिया का आखिरी किनारा सूरज वहीं से शुरू होता है हत्ता इला जा हम लोग न्यूजीलैंड में एक मस्जिद है उस पर बोर्ड लगा हुआ है कि दुनिया की पहली फजर की अजान यहां होती है, दुनिया की पहली फजर की अजान यहां होती है, वहीं से सूरज शुरू होता है, वहीं से डेट लाइन डेट दुनिया की तारीख की लाइन गुजरती है। इधर जाइए तो जुमेरात है, इधर आ जाइए तो जुमा है। तो हाँ अलहमदिल्ला फीजी गई जमा और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तीन जगह इज्तिमा थे। ये एक जमात करके एक जमात किर्गिस्तान गई अलहमदिल्ला वो वहाँ काम करते हैं और अभी भी एक जमात इस वक्त किर्गिस्तान में काम कर रही है और खरीद में वापस आने लगे और एक जमात माली बर्किना फासो आइवरी कोस्ट या अफ्रीका का किनारा मगरिब का अफ्रीका का किनारा यहाँ मौली यासीन साहब सूरत के और उनके साथ एक जमात नाम चला तो एक गिनी बिसाओ ये भी एक मुल्क है उसके अतराफ शाखा कुल हैं। तो हमारे भाई खालिद हैदराबाद वाले ये उनकी जमात वहाँ गई ब्रोंडी ये भी एक मुल्क है मौली यूनुस साहब बांद्रा इनकी जमात वहाँ गई थी। मॉरिशियस मडागास्कर किसको कहा गया था मॉरिशियस मडागास्कर कौन थे हाँ भाई आजम साहब तो ये जमात वहाँ गई मॉरिशियस मडागास्कर और एक जमात थाईलैंड मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापुर मशरिक इसमें हमारे भाई भाई मनोहर पाशा महमूद ये अगला इनकी जमात है। सोमालिया जिबूटी हबशा यहाँ मौलवी उस्मान दिलवन और मुफ्ती शकील साहब इनकी जमात है और युगांडा रुवांडा केनिया इसको एक जमात कही हमारे यहाँ के डॉक्टर शकील और भाई अल्ताफ उनके साथ एक जमात तो इस तरह ये 11 रुकों पर एक तरह से गया पूरी दुनिया का एक दौरा हो गया। अल्लाह पाक कबूल फरमाए हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह काम का उठान है हर जगह उठान है। और अब के वर्तमान ये जो हमने गुरुद्वारा का जोड़ रखा और इस पर मैंने दरख्वास्त की हमारे मौलाना इस्माइल साहब को और बहुत गुस्सा उनका सहकर और बस मारने तक की कमी रह गई बाकी जितना कर सकते थे गुस्सा कर लिया उन्होंने सिर्फ मारना बाकी रह गया कि भीड़ जमा करते भीड़ जमा करो मैंने मारना भीड़ नहीं है ये तो सब दुनिया के तकाजे उड़ने वाले लोग हैं तो भाई इसको बात सही करके दिखाइए जोर के बाद जब वजाइन होंगे तो ये सारी दुनिया इस वक्त तलबदार है और हमारी तरफ निगाहें हैं कि यहाँ से कांवड़ लाने उठाया हम तक पहुँचाया हमें इस मुबारक मेहनत में लगाया यही लोग हमारे मॉडल हैं। तो खूब जान माल लगाकर पूरी दुनिया में नियतें करके जाइए यही कुर्बानियां हैं। अमेरिका में ये जो किस्सा मैंने सारा सुनाया
इससे पहले दो आदमी अलीगढ़ के दफन है, अलीगढ़ के जवान थी, एक्सीडेंट हुआ, बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, और दो ये सन 75 की बात है, कितने का एटी नाइन ये इतना के बाद की बात है, इससे पहले नादिर साहब की कह रहे हैं। तो दो आदमी शहीद हुए और वही दफन है, कियामत में अमेरिका जरूर थे, पैदा हुए अलीगढ़ में, उठेंगे अमेरिका से। और नादिर साहब इस हाल में आए, मैं उनकी यादत के लिए गया था, मैंने देखा कि उन पर 6 फ्रैक्चर थे जिस्म पर, जिस्म की 6 जगह की हड्डियां उनकी टूटी थी, रहमतुल्लाह गया है नादिर साहब, और पूरा जिस्म जो है वह ऐसे बैंडेज था फ्रैक्चर होकर। तो नादिर साहब कहते थे कि मेरी 6 हड्डियां टूटी हैं और ये दो आदमी वही सही हुए, नादिर साहब पूरे जिस्म पर वो लगा कर है, प्लास्टर तो अल्लाह पाक उसे काम उठाता है। तो भाई अभी इंशाअल्लाह अभी नमाज तो सवा बजे की है, कर जाए हाँ तो सवा बजे की नमाज है, उसके बाद फिर आप सुबह वाले बैठें, अलसल रहें, और ये जो तकाजे हैं मुल्कों के तकाजे हैं, अंदरूनी मुल्क के तकाजे हैं, सारे तकाजे हैं, इसके असाइन भी करें, इसे असाइन भी करें। ये बात जो मैंने अमेरिका वालों से अर्ज की, मैं आपसे भी अर्ज करता हूँ, तभी हम तो सर कहूँगा रोजाना रोजाना महाना साल रोजाना के 3 अमल है, महीने का 1 अमल है, साल का 1 अमल। अल्लाह हिम्मत दे और अल्लाह हमें जरिया बनाए मुल्कों और कौमों की हिदायत का, तो उसके लिए इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े, मुल्कों के इरादे कीजिए, नियतें कीजिए, लेकिन काम उसी वक्त मजबूत होगा जब मस्जिद का काम मजबूत होगा। अनाज के हासिल होने की एक ही जगह है जमीन, अनाज आसमान से भी नहीं बरसता, कुओं से भी नहीं निकलता, नहरों में भी नहीं बहता, उसकी एक ही जगह है जमीन से पैदा होता है, और जमीन से अनाज जब पैदा होता है जब जमीन पर मेहनत होती है, जमीन पर मेहनत होगी तो अनाज पैदा होगा, फिर वही अनाज मिलों में जाएगा, फिर गोडाउनों में जाएगा, दुकानों में आएगा, घरों में जाएगा, और भूखे पेट भरेंगे, और जमीन पर मेहनत ना होगी तो फिर मार्केट में कहां से आना जाएगा, घरों में कहां से आना जाएगा, तरसते रहेंगे सब। तो मस्जिद की मेहनत असल है, वहीं से सारे तकाजे पूरे होंगे, उसके लिए ये रोजाना की मेहनत, ये तीन तालीम है, फिक्र है, फिक्रों पर जमा होना है, मशवरा है, और अपनी मस्जिद का काम हो गया, अब दो और मस्जिदें जो हमारी ऐसी हैं जहाँ काम नहीं है, कमजोर है, उसके लिए महाना मशवरे में मजबूत मस्जिदों को कमजोर मस्जिदों की जिम्मेदारियाँ देना, और वो जाके वहाँ मेहनत करें, और हर महीना उसकी कारगुजारी लेना, हर हफ्ता नहीं लेना, महीने में एक बार लेना, और पूरे सूबे के एतबार से, जैसे कल से इसी पर है जो बात हमने अमेरिका वालों से की, ये मैसेज है हमारा, भाई हमें हिंदुस्तान में आए, ये मैसेज हमारा यही बोल मैसेज हमारे लिए, अगर ये चीज मजबूत होगी तो इंशाल्लाह सारे तक सुभान अल्लाह।